अभी टारगेट सेल बता दिए मैं कि टारगेट सेल क्या होता है। तो टारगेट सेल को ही कोडोसाइट्स भी कहा जाता है। टारगेट सेल्स बताया है कि अदर रेड ब्लड सेल्स होता है जो कि अपीयर होता है किसकी तरह, तो शूटिंग टारगेट की तरह विथ ब्लिसिए, मतलब ये बता रहे हैं किस तरह का है। जब इसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा कि एक डार्क सेंटर इसका डार्क दिखेगा, क्यों, तो हेमोग्लोबिन नाइज एरिया रहेगा, वो वहाँ पे ज़्यादा हेमोग्लोबिन रहेगा। फिर वाइट रिंग रहेगा, यानी कि उसके बाद वाला जो रिंग रहेगा वो वाइट रहेगा। फिर एक डार्क बैंड रहेगा, फिर एक लाइट बैंड रहता है। मतलब हेमोग्लोबिन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसा होता है कि एक जगह पे ज़्यादा हेमोग्लोबिन है, फिर हेमोग्लोबिन नहीं बन पाया, फिर बन पाया, इस तरह का जो है आरबीसी दिखेगा, तो उसको टारगेट सेल कहते हैं। इस तरह से जो तीर से निशाना लगाने वाला जो बोर्ड देखते होंगे उसी तरह का ये रहता है, इसी को कोडोसाइट या टारगेट सेल कहते हैं। मतलब बीच में डार्क, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पे लाइट हो जाएगा, फिर डार्क, फिर लाइट। तो जहाँ जहाँ पे डार्क रहेगा वो एरिया हेमोग्लोबिनाइज रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे हेमोग्लोबिन कम रहेगा, इसलिए।